प्रणाम। आज हम हैं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट और हमारे साथ हैं पति पावनी माँ गंगा। गंगा मैया की अद्भुत महिमा है। वेदों पुराणों शास्त्रों के काल से लेकर कलयुग के इस महान काल तक लगातार गंगा भक्तों को पति पावनी पुण्य देने वाली और हमेशा साथ और भक्ति के लिए प्रेरित करने वाली माँ के रूप में सदा से पावती आई। लेकिन गंगा अपने मौलिक तत्व के रूप में एक सूक्ष्म शक्ति है। यदि गंगा माँ को समझना है तो हम उसके बाह्य मौलिक स्वरूप को देखकर ही उसकी पूर्णता से परिचित नहीं हो सकते। माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलों में निवास करने वाली कही गई और माँ गंगा भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में निवास करने वाली कही गई और यही माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं में निवास करने वाली कही गई। इस प्रकार से तीनों स्थानों पर अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश अर्थात स्वयं शिव के पास, त्रिदेवों के पास ही गंगा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही। स्थूल रूप में गंगा एक नदी के रूप में हमें आनंद और सुख देने वाली, इस राष्ट्र का भरण और पोषण करने वाली नदी है। लेकिन सूक्ष्म रूप में वो अध्यात्म को प्रदान करने वाली एक पराशक्ति है। इसीलिए चाहे सगुण के उपासक हो या निर्गुण के उपासक हो, दोनों ने ही माँ गंगा की समान रूप से स्तुति की है। गंगा को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उनके दोनों प्रारूपों को भली प्रकार समझने वाले हैं। जितना महत्व इनके स्थूल और प्रत्यक्ष होने का है, उतना ही महत्व इनके तात्विक विग्रह का भी है। जहां इनका जल एक मीठा पानी बनकर पुण्य आत्मा और संत हृदयों को तृप्त करता है, वहीं इनका नाम संकीर्तन, इनकी नाम महिमा और इनका सूक्ष्म आवाहन बड़े से बड़े परमहंसों को भी परम तृप्ति देने वाला है। माँ गंगा वो नदी है जिनके पावन तट पर बड़े से बड़े अवतारी, बड़े से बड़े सिद्ध, बड़े से बड़े गंधर्व और चारण सदा आने के लिए तरसते रहे। आखिर इसके पीछे मौलिक रूप से कौन सा राज और कौन सा रहस्य है? हिमालय जितना पवित्र और जितना सुंदर है, उतना ही पवित्र और उतना ही सुंदर उसका जल है। लेकिन वो जल तब और भी अधिक पुण्यदायी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब वहां गौमुख से स्वयं गंगा निकलती है। गंगा मैया की कहानी तो सब जानते हैं, उनके पृथ्वी तक आने की सारी प्रणाली, सारी कथाओं को भी आप जानते हैं। लेकिन हर मनुष्य के भीतर गंगा विद्यमान रहती है। हमारे योग शास्त्र ये कहते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रहार कमल दल तक 7 चक्र होते हैं। इन सभी चक्रों को परस्पर सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी परस्पर जोड़े रहती है और जब कोई योगी धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, हठ अनुशासन के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अपनी प्राणश चेतना को, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रहार की ओर ले जाता है तो मस्तिष्क में महान और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होने लगता है। योग शास्त्र कहते हैं कि सहस्त्रहार कमल दल में 1000 सूर्यों के बराबर तेजस्विता, दिव्यता और तीव्रता होती है। ऐसे तेज को और ऐसी स्थिति को बड़े से बड़ा योगी भी संभाल नहीं पाता और वो परिस्थिति बेहद घातक होती है। हालांकि उस परिस्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेदाचार्यों ने औषधियों के बारे में विवरण दिया, कहा कि अमूक यौगिक रसायनों का सेवन करने से, अमूक औषधि का पान करने से इस समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन कभी कभी साधक को उससे भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन उन्हीं यौगिक ग्रंथों में जो हिमालय के उच्च कोटि के योगी हैं और परमहंस सिद्ध योगी हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे ब्रह्मरंध्र के भीतर एक दिव्य शीतल पदार्थ बहता रहता है जो साक्षात गंगा है। वो पदार्थ स्वयं में जल है और जल तत्व का वही वास्तविक प्रारूप है। उस तत्व पर ध्यान करने मात्र से योगी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को कभी प्यास नहीं सताती,
इसलिए योगी ब्रह्मरंध्र के मध्य स्थित गंगा नाम के उस तत्व को, उस दैविक अलौकिक अमोघ शक्ति को मन ही मन और ध्यान पूर्वक उसका ध्यान करते हैं और उस बिंदु उस नाड़ी में पहुंचने का पूरा पूरा अभ्यास करते हैं। सहस्त्र कोटि सूर्य की ऊर्जा और तेजस्विता और ताप को क्षण मात्र में हर लेने वाली केवल गंगा नाम की देवी, गंगा नाम की शक्ति ही है। ठीक इसी प्रकार जब दैहिक रूप से, मानसिक रूप से हमें ये अनुभव होने लगे कि मेरा अंतर कलुषित हो चुका है, मेरा मन बहुत गहरे तनाव से भरा हुआ है, मेरा पूरा अस्तित्व मानो पाप से, काली छाया से ओतप्रोत हो रहा है, जीवन बहुत भारी और गंभीर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भक्त गंगा मैया के किनारे जाकर इस नदी के जल को अपने ऊपर छिड़कता है, इसका आचमन करता है, ताकि बाहर से भी अपने अन्नमय को पवित्र अनुभव कर सके और भीतर उसका अंतःकरण भी पवित्र हो सके। योगी सूक्ष्म के द्वारा भी गंगा जी का ध्यान करते हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा भी उनको अनुभव करते हैं। इसलिए जब हम पवित्रीकरण की बात करते हैं और बाह्य अभ्यंतर शुचि इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करते हैं तो गंगा जी से श्रेष्ठ कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो जल है, ये वो माँ है जिनका स्मरण करने मात्र से बाहर और भीतर दोनों ही तत्व निर्मल होने लगते हैं। इसलिए गंगा जी की स्तुति, स्तवन और स्नान ध्यान का तीर्थ में बड़ा ही महत्व कहा गया है, लेकिन ये महत्व तब तक गौण है जब तक कि इसकी सूक्ष्म सत्ता से अपरिचित हो। गंगा में स्नान केवल स्नान ही नहीं होता, अपितु उसके साथ आपका समस्त अस्तित्व स्नान में डूबता है। इसलिए एक एक क्षण को, एक एक तत्व को गहराई से जानना होता है। गंगा जी का ध्यान ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार से सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से ऊपर कोई योगी एक तिर्यक भाव में जाकर स्थित हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी सत्वगुण के द्योतक हैं, विष्णु जी रजसगुण के द्योतक हैं और श्री भगवान महादेव तमस तत्व के द्योतक हैं, उन तीनों से परे, उन तीनों को आप्लावित किए हुए त्रिगुणातीता अथवा त्रिगुणमयी स्वयं गंगा मैया कहलाती है। इसलिए तीनों गुणों से परे जाने का एकमात्र माध्यम है और वो है गंगा मैया की शरण लेना। लेकिन मौलिक प्रश्न यही साधक को भली प्रकार समझना चाहिए कि जब तक वो गंगा के सूक्ष्म तत्व अथवा सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता तब तक गंगा का स्नान लगभग अपूर्ण रहता है, क्योंकि इस प्रकार तो गंगा और गंगा का दर्शन आप सदा कर सकते हैं, गंगा में स्नान कर सकते हैं, गंगा के जल से आत्मतृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में यह स्नान और यह ध्यान और यह साधना पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि गंगा का सूक्ष्म तत्व जब तक छूट जाता है तब तक हम किसी भी प्रकार पूर्ण रूप से गंगा के स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते। जैसे योगियों के ब्रह्मरंध्र के स्थित मध्य कमल दल के भीतर सूक्ष्म शांतिदायिनी गंगा स्थापित रहती है, ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली और इस ब्रह्मांड को शांति देने वाली एक योगिनी शक्ति है जिसे गंगा की शक्ति कहकर उद्बोधित किया जाता है। इसलिए आगम और निगम ग्रंथ माँ गंगा के संबंध में एक नई ही धारणा और अवधारणा देते हैं और वो केवल इतनी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को जो शीतल बनाए रखे, जो उसमें सम्यता लाए रखे, वही शक्ति गंगा के रूप में अवस्थित होने वाली शक्ति है। इसलिए गंगा को समझने के लिए सहस्त्रहार कमल दल के भीतर की गंगा को समझना और बाहर प्रत्यक्ष गंगा को समझने के साथ साथ ब्रह्मांड की वो परात्पर योगिनी के रूप में जो स्थित गंगा शक्ति है उसे समझना बेहद अनिवार्य है। इसीलिए गंगा का कर्म कांड सूक्ष्म, भौतिक और पराभौतिक रूप में तीनों तलों पर क्रमशः घटित होता रहता है और साधक को चाहिए कि वो हर तल पर माँ गंगा की सानिध्य को अवश्य प्राप्त करे और उनकी विविध प्रकार से स्तुति और वंदना करे। यहाँ जब हम माँ गंगा के आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं तो कलयुग होने के कारण हमें स्थूल पक्षों की भी बात करनी पड़ती है। इस पतित पावनी गंगा की स्थिति जब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो बहुत खराब होती जा रही है। हालांकि हमारे शास्त्र और ग्रंथ ये कहते हैं कि
कलयुग में आने पर केवल यही एक ऐसा तीर्थ स्थान होगा, हिमालय और गंगा, जहां आप सुख और शांति और अध्यात्म धर्म को अनुभव कर पाओगे। लेकिन आज जब पर्यावरण खराब हो रहा है, जब मनुष्यों की जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो रही है, जब मनुष्य नितांत स्वार्थी हो रहा है और उसका अध्यात्म आस्तिकता में विश्वास ही नहीं रह गया है, ऐसे समय में माँ गंगा की पावनी धरा और ये धरती केवल एक दर्शनीय स्थल मात्र बनकर रह जाता है। ऐसा होने से इस गंगा की पुण्य धरा और इसकी आसपास के क्षेत्र गंदे हो रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य और भक्त का भी एक उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है कि वो जहाँ सूक्ष्म रूप से देवी की स्तुति और वंदना ध्यान करे, वहीं इसकी पुण्यता, इसकी पवित्रता और इसकी स्वच्छता की पूरी पूरी इच्छा और कामना के साथ साथ उसमें अपने सहयोग बनाए रखे, तभी इस पुण्य धरा पर आने का महत्व बढ़ता है। आज जब मैं इस तट पर हूँ तो अपने समस्त पूर्वजों का ध्यान करता हूँ, समस्त गुरु मंडल का ध्यान करता हूँ और समस्त 33 करोड़ देवी देवता योगिनी मंडल का ध्यान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त साधक वृंद, समस्त भक्तों को, समस्त सज्जनों को जो भी अध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको दिव्यता और पुण्यता देना, उनके संतापों को, उनके कष्टों को, उनके कलेशों को हर लेना और अपने निर्मल जल से उनका बाह्य और अभ्यंतर दोनों को शुचिता प्रदान करके पूर्ण पुरुष बनाने की ओर गतिशीलता प्रदान करना। इसी प्रार्थना, इसी सुहृद कामना के साथ आपकी मंगल कामना की प्रार्थना भगवती गंगा मैया के चरणों में अर्पित करते हुए अभी केवल इतना ही। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।